100% मैं सर्विसेज कब दूंगा जब मुझे किसी चीज पर किसी स्किल के ऊपर पावर हासिल होगी, मतलब उर्दू हासिल होगी, ठीक है। अब वो स्किल किससे किस तरीके से रिलेट कर सकती है, आप फेसबुक के मार्केट प्लेस के थ्रू हो सकती है, आपकी अमेजोन के ऊपर हो सकती है, बेसिकली दराज के ऊपर आपके ऊपर अच्छी ग्रिप हो सकती है, ठीक है। तो इस तरीके से जिस भी फील्ड के अंदर आपको उबूर हासिल होगा उसकी सर्विसेज आप दे सकेंगे। तो हमारे जो कोर्स है, पहला कोर्स वो है फ्रीलांसिंग और वर्चुअल असिस्टेंट, और जिसका सर ने बताया जिसका रजिस्ट्रेशन 1st December को होगी, तो उसकी उसकी फीस है 38,400। अच्छा, बेसिकली इनेबलर्स जो है ना अमेजोन के ऊपर ज़्यादा काम करता है, आप लोगों को पता होगा अमेजोन के बारे में। अमेजोन दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट मार्केट प्लेस है, ठीक है ना, सबसे बड़ी मार्केट प्लेस है, मतलब जितनी ज़्यादा सेलिंग अमेजोन के ऊपर होती है ऑनलाइन किसी और प्लेटफॉर्म पर नहीं होती, ठीक है ना। जैसे पाकिस्तान के अंदर दराज पे होती है क्योंकि पाकिस्तान पे अमेजोन नहीं है। सिमिलरली जितना बाहर इंटरनेशनल वर्ल्ड के अंदर, खासकर USA के अंदर, USA के अंदर आपकी 66% जो है ऑनलाइन सेलिंग जितनी की होती है ना वो अमेजोन के थ्रू होती है, सेलिंग और परचेजिंग, ठीक है। वजह क्या है कि इतने लोग अमेजोन से परचेजिंग करते हैं और इतना रिलाय करते हैं अमेजोन के ऊपर, लोग कहते हैं कि हमें महंगे ही मिलते हैं ना अमेजोन से लेंगे, वजह क्या है, क्योंकि कस्टमर फ्रेंडली पॉलिसीज बहुत है। कस्टमर फ्रेंडली पॉलिसीज के मुराद कहाँ पे हम जाते हैं कुछ भी चीज लेते हैं खरीदते हैं वहां लिखा होता है खरीदा हुआ माल वापस या तब्दील नहीं जाएगा, आपने आप लोगों ने पढ़ा होगा खरीदा हुआ माल वापस या तब्दील नहीं किया जाए। लेकिन सिमिलरली आप किसी दुकान पर जाए और वो ये कहे कि आप यूज कर लो चीज को और अगर आपको समझ में आए इस्तेमाल कर लो और वापस ले जाना, कोई तो आपका कितना ट्रस्ट बिल्डअप होगा उसका। सिमिलरली अमेज़न कहता है कि अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट से समझ नहीं आया, आपने देखा आपकी यूजेज के लिए नहीं है, आपको समझ नहीं आया, उसको रिटर्न कर दो, आप उसको रिटर्न एक्सेप्ट करें, इसलिए लोग ज्यादा रिलाय करते हैं। उसके साथ साथ फ्री रिफंड, मतलब आपका प्रोडक्ट आपको मिल गया, आपको समझ नहीं आया, आपने रिफंड करवा दिया, प्रोडक्ट आपको मिल गया ब्रेक विद ब्रेक मिला है, मतलब टूटा हुआ डैमेज मिला, तो अमेज़न आपको रिफंड भी ऑफर करता है, लेकिन आप प्रोडक्ट भी रखें और रिफंड भी रखें, इसलिए लोग ज्यादा रिलाय करते हैं अमेज़न के। कस्टमर फ्रेंडली अच्छी पॉलिसी अच्छी है और अमेज़न काफी लोगों पर ट्रस्ट, मतलब ट्रस्ट बिल्डिंग जो है ना, एक ट्रस्ट बिल्डिंग ज्यादा है लोगों में, तो इसलिए अमेज़न को ज्यादा लोग बिजनेस करते हैं, ज्यादा लोग परचेजिंग करते हैं। अच्छा, एक कॉमन इकोनॉमिक लॉ है कि जहाँ पर ज्यादा ट्रैफिक होता है, जहाँ पर रश ज्यादा होता है, वहाँ पर अगर आप अपना छोटी सी दुकान भी लगा लेंगे तो वो ज्यादा उसके ऊपर ग्रोथ के चांसेस ज्यादा होते हैं कम्पेयर टू अदर, ठीक है। इसी तरीके से क्योंकि अमेज़न के ऊपर ज्यादा तादाद है लोगों की जो परचेजिंग करने के लिए आ रहे हैं, तो यहाँ पर सेलिंग अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा है, अगर कोई सेलिंग करेगा तो उसके ऊपर मार्केट कैप भी ज्यादा है, ठीक है। तो इसलिए हम आपको अमेज़न के ऊपर जो हम सिखा रहे हैं आपको सेलिंग करना है, किस तरीके से आप सेलिंग कर सकते हैं, प्रोडक्ट कैसे सेलेक्ट करने हैं जिसको आपको बेचना है, ऐसे आप कुछ भी उठा के बेच देंगे तो इट कैन बी पॉसिबल कि आपको ज्यादातर चांसेस यही है कि आपको वो रिस्क ले और डूब जाए, लेकिन एक अच्छा प्रोडक्ट सेलेक्ट करना है, उसको सोर्स करना अच्छी प्राइसेस के ऊपर और अच्छी तरीके से लिस्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, लिस्टिंग से मुराद यह है कि हम फिजिकली कुछ भी चीज़ परचेज करने जाते हैं, अच्छा मैं रिमोट लेने जाता हूँ, तो मैं यहाँ पर जाऊँगा और मैं दुकानदार से कहूँगा कि मुझे रिमोट परचेज करना है, मुझे रिमोट लिखो, तो उसको फिजिकली चेक कर सकता हूँ, यूज करके देख सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं उसको डिजिटली बाय कर रहा हूँ तो मैं किस तरीके से मुझे पता लगेगा कि ये रिमोट बहुत अच्छा है या कैसा, मुझे इसकी इमेजेस बताएंगे कि ये कितना अच्छा, मुझे इसका कंटेंट जो लिखा हुआ है वो बताएगा कि कितना अच्छा, दिस इज व्हाट कॉल्ड लिस्टिंग्स। तो उसकी लिस्टिंग, ठीक है, लिस्टिंग हम सिखाते हैं आपको कि लिस्टिंग किस तरीके से करनी है, आपको ऐसे कौन से कीवर्ड्स यूज करना है, ऐसे कौन से सर्च टर्म्स यूज करनी है जो आपकी इस प्रोडक्ट की विजिबिलिटी को बढ़ाए, वो होती है लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन और SEO कीवर्ड्स जो आप कहते हैं कि इतने, मतलब हाईली सर्च जो कीवर्ड्स होते हैं आपको उसके अगेंस्ट अपने प्रोडक्ट को रैंक करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद आपको अपना प्रोडक्ट तो आपने लॉन्च कर दिया है, अब उसको हम बेचेंगे कैसे, लोग तो जानते ही नहीं है मेरे ब्रांड को, तो मैं किस तरीके से इसको सेल करूँ, तो उसके लिए हम एडवर्टाइजमेंट, आप अमेज़न के ऊपर PPC कहलाती है, पे पर क्लिक, ये एक एडवर्टाइजमेंट कंपेन का नाम है। तो आप किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को मार्केट करें ताकि लोगों के सामने इसकी विजिबिलिटी बढ़े, जब लोग इसको देखेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, तो खरीदेंगे कैसे, जब लोगों के सामने बार बार आएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक बंदा है, आप आए रिमोट परचेज करने के लिए आए, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि एक लॉगी नाम के नाम का ब्रांड भी जो है ना बिक रहा है,
तो आप कैसे परचेस करेंगे जब तक आपको एड्स वगैरह शो नहीं होंगे। जब बार बार आप उसके सामने आपके सामने वो एड शो करेगा तब हो सकता है आपका इंटरेस्ट बने। बेटा वो हमारे साथ ऐसे ही होता है ना, फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी चीज परचेज करने जाते हैं तो फेसबुक पे अक्सर देखते हैं उसकी उसकी एड्स वगैरह आना शुरू हो जाती है, शूज हो गए, जैकेट्स हो गए, हुडीज हो गए, ऐसे ही है ना। तो सिमिलरली अमेजोन में भी इसी तरीके से कोई भी बंदा अगर किसी भी चीज़ को सर्च आउट करता है तो उसके अगेंस्ट जो बंदा जिस ब्रांड की उसकी एडवर्टीजमेंट चल रही होती है तो उसके सामने उसको शो करना शुरू कर देता। आप उसके इंटरेस्ट के ऊपर है कि उसका कॉन्टेंट कितना जानदार है, उसकी इमेजेस कितनी जानदार है जो क्लाइंट को कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर रही है, तो ये आपकी एडवर्टीजमेंट हो जाती है। ये सारे कोर्सेज और इसके साथ साथ एक और हमारा जो बिजनेस मॉड्यूल है होलसेल का, उसकी कुछ इंट्रोडक्टरी क्लासेज हम एफ बी ए मास्टर में आपको सिखाते हैं अमेजोन के ऊपर बेसिकली, वो टोटली अमेजोन के बेस्ड कोर्स है। और तीसरा दो कोर्सेज और है जो हम ऑफर कर रहे हैं। अगर आपको अमेजोन के ऊपर बिजनेस स्टार्ट करना है विद अ वेरी लो बजट, अब एक बंदा है वो कहता है कि मुझे अमेजोन पे तो बिजनेस करना है लेकिन मुझे सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करनी, मैं किसी के लिए सर्विस दे के काम नहीं कर सकता, मुझे नौकरी नहीं करनी, मैंने काम करना है लेकिन मेरे पास बजट बहुत कम है, तो आप आए बिल्कुल शुरू कर सकते हैं अमेजोन के ऊपर ऑनलाइन आर्बिट्राज कहलाता है। हम ऐसे प्रोडक्ट्स और ऐसे दुकानदारों से ऑनलाइन रिटेल स्टोर से, रिटेल स्टोर आपको पता है क्या होता है, रिटेल स्टोर से मुराद ये है कि जहाँ से एंड कंज्यूमर्स बाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको अपने लिए कोई चीज़ परचेज करना होगी तो आप दुकान पर जाएंगे और आप उसको परचेज कर देंगे किसी भी रिटेल स्टोर से, लेकिन रिटेलर परचेज करता है होलसेलर से या डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। तो ऑनलाइन आर्बिट्राज बेसिकली मकसद बिजनेस जो है वो है कि हम किसी होलसेलर या डिस्ट्रीब्यूटर को अप्रोच नहीं करते, हम डायरेक्टली रिटेल स्टोर से प्रोडक्ट्स उठाते हैं और उसको अमेजोन पर परचेज सेल करते हैं। हम ऐसी प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करते हैं जो अमेजोन के ऊपर महंगी बिक रही है और दूसरे रिटेल स्टोर पर सस्ती बिक रही है, तो हम वहाँ से उसको कुछ यूनिट्स मंगवाते हैं और कुछ यूनिट 10-10-20 यूनिट्स मंगवा के उसको अमेजोन पर सेल करते हैं, रीसेल करते हैं, ठीक है। दिस इज वॉट नोन एज ऑनलाइन आर्बिट्राज, ठीक है। तो ये बिजनेस आप $500 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, $500 पाकिस्तानी 1,00,000-1,25,000 रुपया, तो 1,00,000-1,25,000 रुपये में आप एक इंटरनेशनल बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक इंटरनेशनल मार्केट प्लेस में एंटर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए भी। अगर कोई बंदा कहता है कि मेरे पास पैसे भी कम है और मैंने अपनी सर्विसेज में नौकरी नहीं करना चाहता, तो आप इसके साथ भी जाते हैं। सिमिलरली एक और हमारा एक और बिजनेस मॉडल है जिसका नाम है होलसेल एफबीओ। अब मैंने आपको बताया कि हम रिटेल से जब परचेज करेंगे और अमेजोन पे रिसेल करेंगे तो वो कहलाएगा ऑनलाइन आर्बिट्राज। सिमिलरली जब हम होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर या ब्रांड से परचेज करते हैं और ऐसी प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं जो ऑलरेडी अमेजोन पे बिक रही हो, फॉर एग्जांपल हम प्राइवेट लेबल के बिजनेस के अंदर ये करते हैं, हम अपना प्रोडक्ट लॉन्च किया अब वो चले नहीं चले इट्स अ रिस्क, लेकिन अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट आप सेल करें जो ऑलरेडी मार्केट में सेल हो रहा हो और बिक रहा हो नाम से, जैसे डव का साबुन ऑलरेडी बिक रहा है, कितना बिकता है, बहुत ज्यादा बिकता है, तो सिमिलरली अगर आप डव से या डव ब्रांड से या उसके डिस्ट्रीब्यूटर से अप्रूवल लेकर वो प्रोडक्ट सेल करें तो आपको रिस्क नहीं होगा कि यार मेरा प्रोडक्ट नहीं बिकेगा या मेरा मुझे रिस्क मेरी पैसे कस्टमर डूब सकती है, कि चलता हुआ प्रोडक्ट है, प्राइस और आ सकती है, थोड़े से लेट हो सकते हैं, पेशेंस भी हो सकते हैं, लेकिन आपका प्रोडक्ट बिक जाएगा। तो इस मॉड्यूल ऑफ बिजनेस को हम होलसेल एफबीओ करते हैं। इसका कोर्स है वो ऑलमोस्ट 55,000 का, ऑनलाइन आर्बिट्राज हम ऑफर करते हैं 39,500।